आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके बोला कि मैम प्लीज़ हमें एक्ने पिंपल्स के लिए कोई रेमेडी बताइए जिसको हम फॉलो करके अपने पिंपल्स से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने पिंपल्स से छुटकारा पा सकते हैं, और साथ साथ जो पिंपल्स के निशान रह जाते हैं फेस पर वो भी इस फेस पैक के इस्तेमाल से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन फेस पैक्स को बनाना बहुत ही इजी है, और जो भी इनमें इंग्रेडिएंट यूज होने वाले हैं वो आपके घर पर आपके आसपास बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेस पैक को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पतंजलि का केसर वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत तेज़ी से आपके पिंपल्स को रिमूव करती है, और साथ साथ जो पिंपल के निशान रह जाते हैं वो भी बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ एलोवेरा जेल ले लिया है। अब मैं जो मेन एंड सेकेंड इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है नीम पाउडर। आप चाहें तो दोस्तों नीम का फ्रेश पेस्ट भी बना सकते हैं, या फिर नीम की पत्तियों को हल्की धूप में सुखाकर इस तरह से क्रश करके और फिर मिक्सी में डाल के इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ नीम का पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून। लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये स्किन को एकदम से कूल कूल भी रखता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये हमारा नीम का फेस पैक बनकर तैयार हो जाएगा। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत जल्दी ही आपको पिंपल से छुटकारा दिलाती हैं, और साथ साथ जो पिंपल के बहुत ही गंदे भद्दे निशान होते हैं वो भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। ये हमारा पैक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद टॉवल से ड्राई कर लीजिए और इस पैक को 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर लगा कर रखें। ऐसा करने से आपके पिंपल्स बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे और एक्ने स्कार्स भी दूर हो जाएंगे। आपने जब ये पैक सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी के साथ फेस को वॉश कर लेना है। वीक में 2 से 3 बार इस पैक को अप्लाई कीजिए, आपके पिंपल्स बहुत तेजी से रिमूव होते दिखेंगे। तो दोस्तों, इस पैक को ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। पिंपल्स को रिमूव करने के लिए जो मैं सेकंड फेस पैक आपको बता रही हूँ, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी स्किन से पिंपल्स को रिमूव करने के साथ साथ ये स्किन पर व्हाइटनेस का काम भी करता है। तो मैं यहाँ 1 स्पून ले रही हूँ। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्किन से पिंपल्स को बहुत तेज़ी से हील करती है और एक्ने स्कार्स को भी बहुत जल्दी ही गायब कर देती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ऑरेंज जूस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऑरेंज पील पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बराबर ही फ़ायदेमंद होते हैं। आपने ऑरेंज पील का पाउडर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके पील को आपने 10 से 15 दिन तक, जब तक कि ये सूख ना जाए, इसे धूप में सुखाइए और फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए और उसको पैक में इस्तेमाल कीजिए। आपके एक्ने पिंपल्स को बहुत जल्दी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज का जूस ले लेती हूँ 1 स्पून। ये 2 स्लाइसेस मैंने यहाँ ऑरेंज की ली है और इसको मैं इस तरह से स्क्वीज करके जूस निकाल लेती हूँ।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर लेमन ले रही हूँ। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन पर फेयरनेस का काम तो करता ही है, साथ साथ पिंपल्स को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं यहाँ 1 स्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। इस फेस पैक को अगर आप वीक में 2 से 3 बार अपने पिंपल्स पर अप्लाई करते हैं तो आपके पिंपल्स जो हैं केवल 3 से 4 दिन के अंदर ही गायब हो जाएंगे और एक्ने स्कार्स, पिंपल स्कार भी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाऊंगी, आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, जहाँ पर भी आपको पिंपल है वहाँ पर। इस तरह से आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इस फेस पैक को आपने 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर छोड़ देना है और जब ये पैक सूख जाए तो आपने हल्के गुनगुने पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। ऐसा करने से आपके पिंपल्स भी दूर होंगे और साथ साथ जो आपकी स्किन पर डेड सेल्स हैं स्किन की, वो भी एकदम से रिपेयर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर जरूर कीजिए गाइस, मुझे आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक के बटन पर हिट करना ना भूलें। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।